ये महुआ का फल है, मैंने आप लिया आपको दिखाने के लिए। इसको गुलेंदा भी कहते हैं, बुंदेलखंड इलाके में गुलेंदा कहा जाता है और कई जगह इसको गुल्लू भी कहते हैं। मतलब इसका एक कॉमेडी वाला नाम है गुल्लू। गुलेंदा अच्छा नाम है, गुल्लू भी अच्छा नाम है, नो डाउट। ये एक्चुअली महुआ का फल है और इसके अंदर देखिए बीज होता है। ये मैंने इसको छीला और छील के इसके अंदर से ये बीज निकला है। ये सीड बड़ा सीड होता है देखिए। और जो महुआ का फूल होता है वो काफ़ी यूज़ होता है, उसको लोग सुखा लेते हैं। वाइट कलर का होता है वो, उसका बहुत फ़ायदे हैं उसके, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। बहुत इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन बहुत होते हैं इसमें। और ये नेचुरल सब चीज़ें हैं इसमें हैं, जो आप विटामिन की गोलियां खाते हैं, विटामिन A to Z, वही सब इसमें है। अगर इसको आप खाएँगे तो आपको एक शक्ति का, एक ऊर्जा का संचार इससे मालूम पड़ेगा। और कुछ लोग तो इसके तेल, देखिए इसका बीज है ये, इसके बीज का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। मैंने भी गुलदा कई बार खाया, इसकी सब्ज़ी भी बनती है। इसको छील लेते हैं, इसको छील के देखिए इस तरह ये है, और निकाल के उसको काट लेते हैं। और कुछ लोग इसके बीज को निकाल कर फेंक देते हैं, कुछ लोग नहीं फेंकते हैं, उसी में डाल देते हैं। और बीज भी बहुत फ़ायदेमंद है इसका, बीज का तेल निकलता है तो जहर सी बात है कि बहुत ही पौष्टिक है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होती हैं, नेचुरल विटामिन्स। तो इसको आप महुआ अवश्य खाएं। और कहते हैं जो वाइट कलर का जो महुआ का फूल होता है उसमें किशमिश से ज़्यादा पावर है, किशमिश से ज़्यादा उसमें विटामिन है, किशमिश से ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं जो किशमिश में मिलती हैं आपको, उससे ज़्यादा उसमें मिलती हैं। वाइट इसका जो महुआ का जो फूल होता है वाइट कलर का, उसमें ये तो महुआ का फल है। तो आप इसको गुलेंदा को या गुल्लू कह लीजिए आप, इसको आप अपने आसपास देखें। अभी सीज़न चल रहा है, ये सीज़न गर्मियों में होता है इसका, ये फूल चुका है और अप्रैल मई में फूल चुका है ये अप्रैल में। अभी इसका ये फल बन रहा है, कहीं कहीं इसका फल साइज़ का बड़ा भी होता है, फल छोटा है मेरे पास इस वक्त, और मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है ये। और उसका साइज़ ही कम से कम इसका जस्ट डबल पकड़ लीजिए आप मोटा मोटा। ये देखिए बड़ा साइज़ है, बट इससे भी बड़ा होता है जस्ट डबल। ये देखिए बड़ा साइज़ है इसका, बड़ा होता है इससे जस्ट डबल। तो इसी तरह ये इसका है। तो आप इसको अवश्य अपने आसपास देखिए, लगाइए। और महुआ का पेड़ अभी देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही विलुप्त ऐसा पेड़ हो गया है। इसको आप जरूर प्लांटेशन कीजिए अपने बगिया में, बगीचे में, या घर के लॉन में कहीं जगह हो। बहुत सुंदर दिखता है जब ये गर्मियों में इसके पत्ते बिल्कुल लाल रंग के हो जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। नीचे महुआ झड़ता है, ओ माय गॉड, बहुत लगते हैं किसी ने महुआ की चादर बिछा दी हो, बहुत सुंदर दिखता है। तो आप जब भी इसको देखें, कहीं गुल्लू या गुलेंदा कहीं मिल जाए महुआ का फल, उसको अवश्य लें, इसकी सब्ज़ी बनवाएं, इसको खाएं, बहुत ही पौष्टिक है। धन्यवाद दोस्तों।